यारे बच्चों आदाब आप कैसे हैं ठीक है ना अच्छा आज के क्लास में आप सबका खैर मकदम है पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था याद है जी कहानी इम्तिहान पढ़ी कहानी आपको कैसी लगी अच्छी कहानी है ना जी बच्चों बताइए इस कहानी के किरदार कौन कौन है टिक है लड़का वालदा साहिबा और कौन है छोटी बहन रजिया निगरानकार साहब और सौदरा निगरानकार साहब अच्छा आपने सही जवाब दिया बच्चों बताइए लड़का कैसा है जी होशियार होशियार समर्थन लड़का बहुत होशियार है जहीन भी जहीन क्या है बुद्धिशाली लड़का बड़ा जहीन है उसकी पढ़ाई कैसी चली जी ठीक है मेहनत करके अल नध्वानीट उसने मेहनत करके पढ़ा है वो इम्तिहान में अव्वल दर्जा में पास हुआ है ना अगला किरदार वालिदा साहिबा है बच्चों वो किसकी वालिदा साहिबा है जी लड़के की वालिदा साहिबा है वो क्या करती है ठीक है सिलाई का काम टाइलरिंग वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारती है अच्छा सिलाई का काम करके तो नल जोली चाहिए बच्चों इस कहानी का और एक किरदार का साहब है अच्छा वो कहाँ काम करता है ठीक है वो कॉलेज में काम करता है निगरानकार साहब कौन सा काम करता है जी इम्तिहान का काम है अच्छा निगरानकार साहब इम्तिहान का काम करता है इम्तिहान के कमरे में उन्होंने लड़के से क्या किया जी मदद की अले परीक्षा हाल इन्विजिलेटर अवने बने कैसे लड़के को चक्कर आ गया तो उसका सहारा बना इम्तिहान के कमरे में लड़के को चक्कर आ गया तो निगरानी कर साहब सहारा बन गया ले തല കറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസമായി ബച്ചു കോൻ ലഡ്ക്കേക്ക ഫരിസ്തേ റഹമത് ബൻകറായ ആരായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മാലാഖയായിട്ട് വന്നത് ജി നിഗ്രാൻഖർ സാഹാബ് നിഗ്രാൻഖർ സാഹാബ് ലഡ്കേക്ക ഫരിസ്തേ റഹമത് ബൻകറാഗിയേ ബച്ചോ വായുദാ സാഹിബാക്ക ഭാര്യമേ चंद जुमले स्क्रीन पर है वालदा साहिबा कहानी इम्तिहान का एक किरदार है वो मेरा पसंदीदा किरदार है उसका एक बेटा और एक बेटी है वो सिलाई का काम करती है सिलाई का काम करके वो अपना घर चलाती है बच्चों इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन है पट्ट कदापात्र आरा इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन है उस पर चंद जुमले लिखिए और अपने टीचर को भेज दीजिए प्यारे बच्चों ये तस्वीर देखिए इसमें एक लड़का है वो लड़का कैसा है मायूस है लड़का मायूस है लड़के को क्या हुआ निराशन आंदू पच्ची वो क्यों मायूस है इम्तिहान का नतीजा देखकर मायूस है जी इम्तिहान का नतीजा क्या हुआ ठीक है उसका नंबर बोर्ड पर नहीं है बच्चों, लड़का जब नतीजा देखा तो उसका नाम बोर्ड पर नहीं था इसलिए वो मायूस है उस वक्त लड़के के दिल में क्या क्या ख़यालत आए होंगे आ समयत आ कुटिया मनसिल एल चिंत वनऊँ अच्छा ये खुदा ये क्या हो गया मेरा नाम का नंबर कहाँ है माँ और बहन से मैं क्या कहूँ बच्चों दरसी किताब में एक सरगर्मी है एक एक्टिविटी है देखिए मैंने भी घुस कर नतीजा देखना शुरू किया लेकिन मेरा नाम का नंबर नहीं आखिर मायूसी की हालत में सर पकड़कर बैठ गया बच्चों उस वक्त लड़के के दिल में क्या क्या उभर उभराए होंगे लिखिए ठीक है, है बच्चों ये सरगर्मी ग़ौर से पढ़िए और उसका जवाब लिखकर अपने टीचर को भेज दीजिए प्यारे बच्चों, मूसा नबी अलम के जमाने का बड़ा मालदार आदमी था कारून मूसा नबी का और संपन्न उस आरून उसके खजानों की चाबियाँ इतनी थी जितनी के उनको लादने के लिए बहुत से ऊंडों की जरूरत थी अदेहे ഗജനാവുകളുടെ ചാവുകൾ ചുമക്കാൻ തന്നെ ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങൾ വേണം അത്രയും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു കാരൂൺ കാ കാജാന മാലോ ദൗലത് ഭാക്ക് താരീി വാക്യാ ഹൈ ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് ഇസ്ലി ദുണിയ വാലേ കാരൂൻ കോടേ മാലദാരോ കാ മസാല ബനദേത്തെ വലിയ സമ്പന്നൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ പലരും കാറൂനെയാണ് പറയുക കാറൂൻ വാക്യ കാക്യാക്ക് തൽമീഹെ തൾമേഹ് കെ പീച്ചെ ഏക്ക് കഹാനി ഹോത്തി തൽമീകോ മലയാളമേ പുരാവൃത്തം കഹത്തേ ആത്തിശേ നമ്രൂദ് തൽമീഹെ നമ്രൂദിൻ്റെ തീ കുണ്ടാരം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ अनका और हमा तलमे है ये दोनों फर्जी परिंदे हैं फर्जी परिंदा क्या है संगल्पिका पक्षी तलमे एक लफ्ज़ या अल्फ़ाज़ का मजमू है जिसके ज़रिए किसी तारीख़ी सियासी अखलाक़ी या मजहबी वाक़े की तरफ़ इशारा की जाए है ना दे यदंगिलों चाहे परमो, राष्ट्रीय परमो, मध्य परमो आय संभव अंगले सूझी पिकुन्ना अभी हम तलमीह पर वीडियो देखते हैं। तलमीह कलाम में किसी मशहूर वाकया या किसी मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करने को तलमीह कहते हैं तलमेह के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तर होते हैं लेकिन उनके पीछे वो पूरा किस्सा होता है जिसकी तरफ शायर इशारा करना चाहता है उस पूरे किस्से को जानने के बगैर न तो शेर का मतलब बखूबी समझ में आता है और न ही शेर के अंदर लाई गई तलमेह का पूरा लुफ्फ उठा सकता है मिसाल के तौर पर एक शेर देखिए नार नमरूद को किया गुलजार दोस्त को यूं बचा लिया तूने नार नमरूद को किया गुलजार दोस्त को यूं बचा लिया तूने ऊपर के शेर में नार नमरूद तलमी है अगला शेर देखिए मिर्जा गालिब का एक शेर है इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई इबन मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई इस शेर में इब मरियम यानी ईसा मसीह के बारे में तलमी है अगला शेर देखिए तुरसीना पहाड़ के बारे में एक तलमी है एक था कलीम तूर सीना के लिए एक था कलीम तूर सीना के लिए तू तजली है सरापा ചഷ്മ ബീനാ കേലിയെല്ലി ഹെ സറാ ചീനാ കേലിയെ സാഹിത്യ രചനകളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രസിദ്ധമായ സംഭവത്തെയോ മതാഖ്യാനത്തെയോ പ്രതിപാദിക്കുന്നതിനെയാണ് തൽമീഹ് അഥവാ പുരാവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് തൽമീഹിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പദങ്ങൾ സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ പരിപൂർണമായ ഒരു കഥാസന്ദർഭമോ ചരിത്ര സംഭവമോ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം കഥകൾ പൂർണമായും അറിഞ്ഞിരിക്കാതെ രചയിതാവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല സാഹിത്യത്തിൻറെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും കഴിയില്ല തൽമീഹിൻ്റെ പരമമായ രസം കൊള്ളണമെങ്കിൽ പിന്നിലുള്ള സംഭവം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് സാരം സംഭവത്തിലേക്കുള്ള ചരിത്ര സൂചനകളാണ് തൽമീഹ ഫീനിക്സ് ഹുമാ പക്ഷികൾ മൃദസഞ്ജീവനി ആബെ ഹയാത്ത് ലൈല മജ്നു റുസ്തം സെഹ്രാബ് ബൽക്കീസ് രാജ്ഞി ആദം ഹവ്വ മൂസാനബിയും തൂരിസീന പർവ്വതവും ഫിർനും നബിയും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഹെർക്കുലീസ് പ്ലാറ്റോ സത്യവാൻ സാവിത്രി ഹീർ ഷീരീൻ ഫർഹാദ്

खर्च ज्यादा हो तो कारून का ख़जाना भी काफ़ी नहीं होता बच्चों कारून का खजाना एक तलमी है उससे क्या मुराद है अपने अल्फाज में बयान कीजिए ये लिख कर अपने टीचर को भेज दीजिए बच्चों हर एक शख्स की जीत के पीछे एक हाथ होगा अल ओरो व्यक्ति विजय तुम करमु कहानी इम्तिहान में लड़के की जीत के पीछे किसका हाथ है बच्चों? अच्छा लड़के की माँ का बहुत बड़ा हाथ है निगरान का साहब का हाथ भी है इम्तिहान में लड़का अव्वल दर्जे में पास हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौटा फर्स्ट आई पास आई एनिट वीट लेक संतोष तोड़े मडंगी अपना बेटा इम्तिहान पास होकर घर आता है उसकी माँ ने क्या क्या होगा തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടി മാർക്ക് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് ആ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് മാ ഉസ്കോ ഹുഷീസെ ഗലേലകായി ഹി അല്ലേ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛ लड़के ने अपनी बहन रज़िया से क्या क्या बताया होगा अरे बहना मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ तुम्हारे लिए जेवर, गुड़िया कपड़ा वगैरह ख़रीद कर दूँगा फिर उसके बाद ലടുക്കേനെ ക്യാ കിയാ ഹാ അതിനുശേഷം അവൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പഠനം പൂർത്തിയായല്ലോ ജി നോക്കരിക്ക് തലാശ് കീ ഹി നോക്കരി തൊഴിൽ ബച്ചോ ലടുക്കോ കിസ് തരയ്ക്ക് നോക്കരി ഹാസില് ഹൈ ഹി ये तो इला इरीकुम अवने लेबिचितुंडा लड़के को अदालत में नौकरी हासिल हुई होगी है ना अदालत कौड़ दी पहले महीने की तनखा से उसने क्या-क्या खरीदा होगा तनखा क्या है शंबल फर्स्ट सालरी कूण्डे एल वांगीटाऊ माँ और रज़िया के लिए जैवर कपड़े वगैरह ख़रीदे होंगे देखिए बच्चों इस कहानी में लड़का ला क्लास का इम्तिहान अव्वल दर्जे में पास हुआ है वो ख़ुशी खुशी, खुशी അപ്പന ഘർ ലോട്ട ഫിർ ക്യാ ഹുഹാ കഹാനിക്കോ ആകെ പടായി ഉന്നത വിജയം നേടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആപ്ലോക് ലിഖിയേ പ്യാര ബച്ചോ ഏ കോൻ ഹെ ശാഷ് ഫർഹത്തുല്ലാ ബേഗ് कौन है फरहतुल्ला बेग अच्छा वो उर्दू का मशहूर अदीब है अदीब क्या है साहित्यकार फराहतुल्ला बेग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं वो अफसाना निगार है अच्छा अफसाना लिखने वाला कदा यदुलयाल अफसाना निगार कदाकृत ठीक है और क्या शाबाश तनकीद निगार है तनकीद निगार ठीक है बच्चों फरहतुल्लाह बेग के बारे में एक छोटा सा सवानी ही नोट हम पढ़ते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग अठारह सो चौरासी उन्नीस सौ सैतालीस मिर्जा फरहतुल्लाह बेग अट्ठारह ईस्वी में दहली में पैदा हुए इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल से हासिल की तालीम के बाद अदालत में मुलाजिम हुए उन्होंने मुख्तलिफ़ मौजुआत पर अपना कलम उठाया है सवानी हयात अफसाना अदबी तनकीद वगैरह के जरिया इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को मखसूस रंग में पेश किया उन्नीस सौ सैतालीस ईस्वी में उनकी वफात हुई बच्चो बेग कब पैदा हुए जी हाँ वो अठारह सौ चौरासी ईसवी को पैदा हुई कहाँ पैदा हुए दिल्ली में ठीक है फरहतुल्ल बैग दिल्ली में पैदा हुई उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट हाई स्कूल में जी उनकी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट स्कूल में हुई उन्होंने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट स्कूल हाँ से हासिल की बहुत अच्छा तालीम के बाद वो कहाँ मुलाजिम हुए मुलाजिम क्या है उद्योगस्थन। पढ़ने तुनु शेषम एवडेन उद्योगस्थन आए थे शाबाश तालीम के बाद वो अदालत में मुलाजिम होगी अदालत कोडी बच्चो उनकी वफा कब हुई जी उन्नीस सौ सैतालीस ईसवी को उनकी वफात हुई बच्चो फरहतुल्ला बैग के बारे में दी गई इबारत ग़ौर से पढ़िए और सवालों के जवाब लिख कर टीचर को भेज दीजिए सवालत देखिए मिर्ज़ा फ़राहतुल्ल बेग कौन है उनकी इब्तदाई तालीम कहाँ हुई तालीम के बाद वो कहाँ मुलाजिम हुए वो कब और कहाँ पैदा हुए उनकी वफात कब हुई ठीक है बच्चों आज के क्लास में आप लोगों के लिए कितने एक्टिविटीज हैं अच्छा चार एक्टिविटीज हैं चार सरगर्मियां हैं पहला काम यह है कि पसंदीदा किरदार पर नोट तैयार कीजिए कथापात्र ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ദൂസരാക്കാം ഇംതിഹാൻക നത്തീജ്യ ഹയാലാത്യാലാത് ല പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം ചിന്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും लिखिए तीसरा काम है कि तलमे और उनका खजाना पर अपने अल्फाज में लिखे चौथा और आखिरी काम है कि फरहतुल्लाह बे के बारे में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए वह सब अच्छी तरह करके अपने टीचर को भेज देना मत भूलिए यह क्लास यहीं खत्म होता है हम प्र मिलेंगे शुक्रिया खुदा हाफिज